अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा के मुतालिक, जो कि मुनाकिद होने वाला है 2024 में। उसकी पूरी जानकारी इंशाल्लाह इसी चैनल पर दी जाएगी। उससे पहले नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तबलीगी जमात के मुतालिक तमाम वीडियोज़, तमाम ख़बरें आप हजरात तक जल्द और आसानी से पहुँच सकें। जज़ाकल्ला। जी नाज़रीन, भोपाल में इरखेड़ी में एक आलमी तबलीगी इज्तिमा, जो कि हर साल मुनाकिद किया जाता है। यह आलमी तबलीगी इज्तिमा बहुत ही मशहूर और मकबूल है। इस तबलीगी इज्तिमा में कई ममालिक से लोग शिरकत करने की गरज से भी आते हैं। इस तबलीगी इज्तिमा से कई मुल्कों को तबलीगी जमातें जाती हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस तबलीगी इज्तिमा की तारीख का तमाम मुसलमानों को इंतज़ार रहता है कि कब इस तबलीगी इज्तिमा की तारीख आती है और फिर यह तबलीगी इज्तिमा कब मुनाकिद हो। उसके हिसाब से हर मुसलमान की यही ख्वाहिश, तमन्ना रहती है, चाहत रहती है कि वह उसी के अतबार से अपने टिकट्स वगैरह भी बनाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर खुल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस तबलीगी इज्तिमा की जो तारीख मशवरे से तय हुई है, जो कि भोपाल के जिम्मेदारों के ज़रिए से मालूम हुई है, वो बताया जा रहा है कि 29-30 नवंबर और 1-2 दिसंबर 2024 में ये तबलीगी आलमी इज्तिमा मुनाकिद होने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद में इस तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां भी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। इस तबलीगी इज्तिमा में जो है 10 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान शिरकत करते हैं। ये तबलीगी इज्तिमा दुनिया में बहुत ही मशहूर और मकबूल इज्तिमा है। इस तबलीगी इज्तिमा में कई ममालिक से लोग आते हैं। इस साल में भी इसी तरीके से ये तबलीगी इज्तिमा मुनाकिद होगा और इस तबलीगी इज्तिमा में काफ़ी तादाद में लोगों के आने की तवक्को और उम्मीद की जाती है। ये खबरें जो मुझे मिली थी, मैंने आप हजरात तक पहुंचा दी है। अगर इस तबलीगी इज्तिमा की तारीख में कुछ भी तब्दीली हुई, आगे पीछे हुआ, तो इंशाअल्लाह वो भी खबरें हम आप हजरात तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तबलीगी इज्तिमा को कबूल फरमाए, सारे आलम के तबलीगी इज्तिमा को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।